महर्षि वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं सत्यम परम धीम ही, मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूं जिस सत्य के सत्य में सब कुछ समाया है, उस सत्य से अलग कुछ भी नहीं है। बोले पुराणों ने भी जिसका बखान किया है, मैं उस परम सत्य को प्रणाम करता हूं, मैं सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूं, जो सत्य स्वरूप परमात्मा अविनाशी है, उसकी माया आज तक कोई समझ नहीं पाया। बोले सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। धर्म क्या है? सत्य बोलना। परम धर्म क्या है? बोले सुनो, एक धर्म होता है, दूसरा परम धर्म होता है। तो बोले ये जो परम धर्म है ये क्या है? परम धर्म है गोविंद की कथा, कन्हैया की कथा, इसे हम परम धर्म कहते हैं। लेकिन ये जो कथा हम सुने तो इसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, इसी को परम धर्म बोलते हैं। और हम लोग करते क्या है, हम लोग जब जाते हैं कथा सुनने, भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, तो सबसे पहले हम अंदर अपने सोच लेते हैं कि भगवान से मांगना क्या है। लेकिन यहाँ पर भागवत कह रही है कोई भी जीव के अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली कथा गोविंद की नित्य और निरंतर सुननी चाहिए। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक यदि पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए, तब भी इसको ये महाराज कल्याण कर देती है।